Dear friends, welcome back to your channel Bio in Mind. I am Akash Chabe and I am here with a new video, Plasma Membrane of Class 9. Dear students, as first we know that what is plasma membrane. Previous video में मैंने आपको बताया था कि जो ये cell है, ठीक है, cell की ये outermost जो boundary है, ये outermost covering, ठीक है, उसको कहते हैं plasma membrane या cell membrane, ठीक है. और इसमें क्या होते हैं, सारे ऑर्गेनेल्स जैसे कि न्यूक्लियस और सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि सेल मेम्ब्रेन है क्या. तो हम देखते हैं कि दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. देखिए जैसे होता क्या है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से करता क्या है कि ये सेल के कंटेंट्स को सेपरेट करता है. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक सेल हो गया, ठीक, और इसके चारों तरफ इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गए. आ रहा बात समझ में, ये सारे बंडल्स ऑफ सेल हैं. यहाँ पे ये जो सेल है, ग्रुप ऑफ सेल में ये एक सेल को हमको आइडेंटिफाई करना है, इस सेल के बारे में हमको स्टडी करना है. और इसमें कोई सेल मेम्ब्रेन ना हो, कोई बाउंड्री ना हो, तो क्या होगा कि सारे सेल एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे. समझ में आ रहा बात. तो मिक्स होने के चलते क्या हुआ कि हम किसी एक स्पेसिफिक सेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होगा कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का होना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे लिखा है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, देखते हैं द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट टू द सॉइल. होता क्या है कि कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये क्या है, एक सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है. तो आउटर मोस्ट कवरिंग मतलब क्या हुआ, एक तरह से बाउंड्री, ठीक है. बाउंड्री जैसे मान लीजिए हम घर में हैं, ये मेरा एक घर हो गया, तो घर के चारों तरफ जो बाउंड्री होता है वो क्या होता है, एक तरह से घर का प्रोटेक्टेड लेयर होता है, घर का एक प्रोटेक्टेड लेयर होता है वो. और वो अलाउ करता है कि कौन हमारे घर में एग्जिट करेगा और कौन हमारे घर में एंट्री करेगा, इन एंड आउट दोनों का वो आदेश वही देता है, ठीक है. तो सेल मेम्ब्रेन भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या करता है, सेम प्रोसेस, यही अलाउ और परमिट करता है कि कौन मटेरियल हमारे सेल में एंट्री करेंगे और कौन मटेरियल हमारे सेल में एंट्री नहीं करेंगे, ठीक. इसको क्या कहते हैं भाई, इस नेचर को. मान लीजिए हम, जैसे मान लीजिए मेरा घर है, तो घर में कौन एंट्री करेगा कौन एंट्री नहीं करेगा, इस नेचर को हम क्या बोलेंगे, सेलेक्टेड, ठीक है. हमें चूज़ करने का नेचर है कि भाई कौन, जाहिर सी बात है सबको चूज़ करने का नेचर होता है, कौन चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है कौन चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो आप चूज़ करके ही बता पाते हैं. समझ में आ रहा बात. तो चूज़ करने का मतलब क्या हुआ कि हम एटलीस्ट ये जान रहे हैं कि हमारे लिए कौन चीज़ सही है और कौन चीज़ गलत है. तो इस नेचर को क्या बोलते हैं, तो यहाँ देखिए कि द सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जैसे कि ये सेलेक्ट करता है कि कौन हमारे अंदर आ सकता है और कौन हमारे अंदर से बाहर जा सकता है, जिसका मन वो नहीं आएगा. हम भी जैसे जानते हैं कि द सब्सटेंस द पीपुल और द गाय इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी और द नॉट बेनिफिशियल फॉर अस, तो क्या होता है कि हम उनको एंट्री करने नहीं देते हैं, ठीक है. और जिसको हम जानते हैं कि द पीपुल और द गाय इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, तो आ जाइए भाई, मोस्ट वेलकम, ठीक है. तो सेल का भी काम वही है. नेक्स्ट हम आते हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. ये बना किस चीज़ से होता है, ये जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है ये बना किस चीज़ से है, तो लिपिड और प्रोटीन से, ठीक है. नेक्स्ट हम आते हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ को जब ध्यान में दिया जाएगा, इसका प्रॉपर्टीज़ मतलब इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है सेल मेम्ब्रेन के या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो देखा जाएगा इट इज़ फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल क्यों है भाई, तो सबसे पहला चीज़ कि लिपिड और प्रोटीन से बने हैं, तो इस नेचर से जो चीज़ भी बने होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है. सो इट कैन इनगल्फ द फूड एंड आउट अदर मटेरियल फ्रॉम द इन्वायरमेंट. होता क्या है कि ये इस नेचर से बने होते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं कि कोई भी इन्वायरमेंट से, ठीक है,
जो अपना फूड होता है, अपने लिए जो ज़रूरी चीज़ होता है, वो इनगल्फ कर लेते हैं। जैसे हर सेल का ये नेचर नहीं होता है, कुछ सेल का, जैसे मान लीजिए हमारा भी बॉडी सेल से बना है, तो हमारा सेल तो ऐसा नहीं है ना कि जो बाहर से ज़रूरतमंद चीज़ होता है वो बाहर से एंट्री कर लेता है अपने में, ऐसा कुछ नहीं है। मगर यूनिसेलुलर सेल्स ये करते हैं, जैसे अमीबा, अमीबा ये सुडोपोडिया के हेल्प से क्या करता है कि अपना फूड को अंदर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इस नेचर को क्या कहते हैं भाई, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हम कोई भी फूड अपने लिए लेते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस, ठीक है। जो सेल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अपने लिए फूड लेता है उसको क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस, ठीक है। इतना समझ में आया। देखिए हमने पीछे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या आता है, सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल क्या होता है, कि सेल वॉल के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक चीज़ बहुत लोग क्या करते हैं कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, बट दे आर डिफरेंट्स, ठीक है। देखिए सेल वॉल में होता क्या है कि सेल वॉल इज द अनदर रिजिड आउटर मोस्ट कवरिंग इन द एडिशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन प्लांट सेल। सबसे पहले समझ में आया क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थे वो एनिमल सेल में पाए जाते हैं और सेल वॉल जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल में ही पाए जाते हैं, मगर सेल वॉल जो है वो केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। समझिए ध्यान से कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो केवल एनिमल सेल में होता है और सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये दोनों पाए जाते हैं प्लांट सेल में। मगर प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है उसके नीचे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे मान लीजिए जो स्ट्रक्चर होता है ना प्लांट सेल का, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया है, तो उसमें आप देखिएगा तो सबसे बाहर वाला जो आउटर मोस्ट कवरिंग है जो कि थोड़ा हार्ड होता है, टफ होता है, रिजिड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम पॉइंट, द सेल वॉल लाइज आउटसाइड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए क्या है कि प्लांट सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसके बाहर, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं उसके बाहर एज अ प्रोटेक्टिंग एजेंट ये काम करता है। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल मेनली बनता किस चीज से है, सेलुलोज से, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बने थे भाई, किससे बने थे, लिपिड और प्रोटीन से, ठीक। नेक्स्ट आते हैं तो देखिए दिया क्या है कि सेलुलोज इज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। एक तरह से क्या है कि ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, तो सेलुलोज का जरूरत क्यों पड़ा, तो सेलुलोज का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि प्लांट को एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्लांट को एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की आवश्यकता होती है, इसीलिए प्लांट सेल जो होते हैं वो सेलुलोज से बने होते हैं। देखिए हम यहाँ पे कुछ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्लांट सेल हो गया, बैक्टीरियल सेल हो गया, फंगल सेल हो गया, तो किस किस चीज़ों से बने होते हैं, इनमें थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। प्लांट सेल मैंने बताया कि सेलुलोज से बने होते हैं। सेलुलोज होता क्या है, इट इज़ अ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड मतलब, पॉली मतलब हो गया मेनी और सेक्राइड मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट या शुगर, ठीक है। तो पॉलीसेक्राइड्स किससे बनते हैं, तो मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर या मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसको मिला के सेलुलोज बनता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं तो बैक्टीरियल सेल देखिए किससे बनते हैं, तो म्यूरिन से। म्यूरिन क्या होता है जी, ये पेप्टिडोग्लाइकन होता है, ठीक। तो पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, तो पेप्टाइड मतलब होता है एमिनो एसिड मतलब प्रोटीन, ठीक, और ग्लाइकेन मतलब हुआ शुगर या कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन से बैक्टीरियल सेल बना है, समझ में आ रहा है बात। अब देखिए फंगल सेल क्या होता है, तो फंगल सेल इज मेड अप ऑफ काइटीन, ठीक। काइटीन क्या होता है, तो काइटीन इज ऑल्सो पॉलीसेक्राइड्स बट हेयर इज एडिशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। सो इट इज मेड अप ऑफ द नाइट्रोजनस पॉलीसेक्राइड्स। काइटीन को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस पॉलीसेक्राइड, ठीक। यहाँ देखते हैं कि फंक्शन क्या है सेल वॉल का, तो फर्स्ट फंक्शन है द प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजेंस। एक चीज़ है कि क्या है कि सेल वॉल हमारे प्लांट सेल को पैथोजेंस से बचाता है। पैथोजेंस मतलब
एक्सटर्नल इंजरी जो भी है, जैसे बैक्टीरियाज है, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, तो इनसे क्या करता है कि वो बचाता है, और एक्सटर्नल इंजरी से भी प्लांट सेल को सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, सेकंड वाला देखेंगे जब इसका हम, तो प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है, क्या करता है कि प्लांट सेल को स्ट्रेट खड़ा होने के लिए क्या कुछ सपोर्ट चाहिए ना, तो वो सपोर्ट इसको कहाँ से मिलता है, सेलुलोज से, और सेलुलोज क्या है, तो जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना हुआ होता है, इसीलिए क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द सपोर्टिंग एजेंट फॉर प्लांट। जैसे इंसान को सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, स्केलेटन होता है, वैसे ही प्लांट सेल को सपोर्ट करने के लिए सेलुलोज होता है या सेल वॉल होता है। ठीक, थर्ड देखते हैं, इट कैन ट्रांसफर मैटर थ्रू होल्स कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा, ऑल्सो इट इज द मीन ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए सेल वॉल में क्या होता है कि एक सेल वॉल जब दूसरे सेल वॉल से मिले हुए होते हैं तो मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, सेल वॉल में एक कनेक्शन होता है, ठीक है, तो कनेक्शन क्या करता है कि मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करता है, उसको हम प्लाज्मोडेस्माटा भी बोलते हैं। ठीक है, वो करता क्या है कि जैसे कोई न्यूट्रिएंट से कोई मटेरियल दूसरे सेल में खत्म होने वाला है या उसमें उसका लैक हो रहा है, कमी हो रहा है, तो वो क्या करेगा, उसमें ट्रांसफर करेगा। समझ में आ रहा है बात। और नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्या है पॉइंट, विथ स्टैंड टर्जर प्रेशर। देखिए हम जानते हैं जैसे टर्जर प्रेशर मतलब क्या है कि वो ऐसा प्रेशर जो कि वैक्यूल में बनता है। वैक्यूल में क्या है, इट इज़ अ बिगेस्ट ऑर्गेनल्स ऑफ द प्लांट सेल, लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स है एक तरह से, उसमें क्या होता है केवल पानी ही भरा होता है, एक वैक्यूल स्पेस होता है ना, खाली स्पेस होता है एक तरह से, तो केवल उसमें पानी भरा होता है। देखिए ज़्यादा पानी भरेगा तो क्या होगा, सेल वॉल अगर कमजोर रहेगा तो ब्रस्ट कर जाएगा, तो सेल वॉल एक तरह से उसको पकड़ा है और अंदर से बहुत पानी भर रहा है, तो क्या करेगा कि वो सेल वॉल को एकदम टाइट कर देगा, और टाइट करने के चलते क्या होगा कि सारे जो सेल वॉल हैं, सेल वॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड हो जाएंगे, और टाइटली पैक्ड होने के चलते क्या होगा कि उनको एक सपोर्ट भी मिलेगा, एक स्ट्रक्चर भी मिलेगा, ये सब उनके लिए ज़रूरी होता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज ऑफ फूड। भाई देखिए सेल वॉल फूड को स्टोर कैसे करता है, तो सेल वॉल फूड को स्टोर करता है, जैसे मान लीजिए हम पढ़े हैं कि जो सीड होता है, ये खासकर फेनोमेनन सीड में देखने को मिलता है, सीड्स में, ठीक है, तो सीड्स में क्या होता है कि सीड में फूड स्टोर होता है, ठीक, और एनर्जी स्टोर होता है। जब भी हम सीड को लगाते हैं सॉयल में सीड्स को स्प्राउट करते हैं, तो क्या होता है कि वो सीड्स जर्मिनेट जब करना शुरू करते हैं तो वो जर्मिनेशन के थ्रू क्या करते हैं कि अंदर का जितना भी मटेरियल है वो एज अ फूड वो यूटिलाइज़ करते हैं, और ऊपर का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो क्या होता है कि वही ब्रस्ट करता है, तब जाके प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो अंदर के फूड मटेरियल को, कोटिलेडंस को बचा के रखता है वो, जो एनर्जी को बचा के रखता है, और आउटर मोस्ट कवरिंग को वो मेंटेन किया रहता है, तो वही है सेल वॉल। सीड के आउटर मोस्ट कवरिंग को भी हम सेल वॉल ही कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।